आपको तो बता दें, भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कल तक के लिए ये कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज विधानसभा के सत्र का पहला दिन था और आज ही विधानसभा की कार्यवाही यहाँ पर स्थगित कर दी गई। दरअसल मानसून सत्र आज से शुरू हुआ था और शुरू होते ही विधानसभा के सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की एक खबर है जहां पर मानसून सत्र का आगाज आज हुआ था। 26 जुलाई तक ये सत्र चलने वाला था और पहले दिन ही कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता निर्मल सिंह बैस फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निर्मल जी, आखिर क्या हुआ ऐसा कि कल तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी? देखकर ऐसा लग रहा था कि विधानसभा की कार्यवाही दिन भर चलेगी, लेकिन जैसी की परंपरा अभी तक चली आ रही है कि विधानसभा के पहले दिन जो है दिवंगत जो है नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित कर दी जाती है, तो कार्य मंत्रणा की समिति ने, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल रहते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल रहते हैं, ये तय किया गया कि आज की कार्यवाही भी परंपरा के अनुसार दिवंगत सदस्यों को तो है श्रद्धांजलि देने के साथ स्थगित कर दी जाए। अब मैं आपको बता दूं कि आज जिन लोगों के निधन का उल्लेख सदन में किया गया उनमें मनोहर पर्रिकर जो कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा भूतपूर्व सदस्य विधानसभा के कुमारी विमला वर्मा, शिवनायक मीना, सुंदरलाल तिवारी, गंगाबाई वसती, विजय कुमार पाटनी, सतीश कुमार चौहान, श्रीमती मीरा धुर्वे, बलराम सिंह ठाकुर को श्रद्धांजलि साथ जो है सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। एवं इसके साथ ही नक्सली और आतंकी हमले में प्रदेश के जो जवान शहीद हुए हैं उनको भी आज श्रद्धांजलि दी गई। अगर आज सदन की कार्रवाई की बात की जाए तो निश्चित तौर पर प्रश्नोत्तर के साथ जो है 6 विधेयक सदन में लाए जाना थे, 2 ध्यानाकर्षण लाए जाना थे जिनमें की इस्पात सिंह सिसोदिया ने विकलांग बच्चों को कृत्रिम अंग निश्चित अवधि में प्रदान न किए जाने की और एक ध्यानाकर्षण लगाया था। इसके अलावा विनय सक्सेना जो कि जबलपुर के उन्होंने जबलपुर की मदन महल पहाड़ी के विस्थापितों को लेकर जो है एक ध्यानाकर्षण लगाया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सदन में ये परंपरा रही है अब तक कि जब भी सदन शुरू होता है तो पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही अगले दिन तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है, तो कोई ऐसी नई बात यहाँ नजर नहीं आ रही है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जी निश्चित रूप से निर्मल जी, परंपरा का निर्वहन करते हुए कार्यवाही स्थगित की गई, दिवंगत लोगों को पहले श्रद्धांजलि दी गई उनके आत्मा की शांति के लिए, उसके बाद कल तक के लिए कार्यवाही अब स्थगित की गई है। सरकार की और विपक्ष की क्या कुछ तैयारी है इस मानसून सत्र को लेकर? देखिए निश्चित तौर पर सरकार की तैयारी अगर करें तो सरकार को सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी बजट लाना है और विपक्ष की बात करें तो उसे सरकार को घेरना का प्रयास करना है और इसी घेराव के लिए कल जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यहाँ एक बैठक हुई जिसमें नरोत्तम मिश्रा और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा इन नेताओं ने हिस्सा लिया और इस तरीके से सदन में सत्ता पक्ष का घेराव किया जाए इसको लेकर रणनीति तय की गई। और चूंकि आज ऐसी संभावना थी कि सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो जाएगी, यही वजह है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक आज शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की गई है। यानी कि बीजेपी और किस तरीके से आक्रामक तरीके से सदन में सरकार को घेरना है इसकी रणनीति आज शाम 7 बजे बनाने जा रही है। और अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो कमलनाथ कल विधायक दल की बैठक में तमाम टिप्स अपने विधायकों को दे चुके हैं। वे कह चुके हैं कि 15 साल की जो सरकार बीजेपी की उनके जो तमाम घोटाले हुए हैं, चाहे व्यापम घोटाला हो, सीएस घोटाला हो, पेंशन घोटाला हो, बिजली घोटाला हो, इन घोटालों को जो है वो जवाब में प्रस्तुत करें और जो 120 दिन की कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां हैं, चाहे कर्ज माफी की बात करें, चाहे अन्य जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको जो है विपक्षी जब वार करें तो अपने बचाव में इन हथियारों का इस्तेमाल करें। और कमलनाथ ने यहां तक विधायक को सिखाया कि ये जो घोटाले हैं सरकार के, पिछली सरकार के, वो एक प्रिंटेड जो है 4-5 दिन के अंदर उनको उसका आउटपुट प्रिंट आउटपुट दे दिया जाएगा, तो वो उसको पढ़ें और सरकार का बचाव करें। निर्मल जी, सरकार को घेरने के लिए आज शाम को बीजेपी की बैठक आयोजित की जाएगी, रणनीति तैयार की जाएगी,
कौन कौन से पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और क्या कुछ रणनीति हो सकती है इस दौरान सरकार को घेरने के लिए? जाहिर सी बात है, बीजेपी एक सशक्त विपक्ष के रूप में उभर कर आई है। 109 बीजेपी के विधायक हैं, 108 चूंकि आज मैं आपको बता दूं कि गुमान सिंह दामो जो इनकी झाबुआ से विधायक थे, उन्होंने जो है सांसद बनने के बाद विधायकी से इस्तीफा दे दिया था, तो आज उनके इस्तीफे का उल्लेख भी सदन में, सदन की कार्यसूची में कर दिया गया है। तो अब 108 विधायकों के साथ जो है जबरदस्त तरीके से घेराव की रणनीति बीजेपी मुख्यालय में बनाई जाएगी। इसमें इसकी अगुवाई वैसे तो नेता प्रतिपक्ष जो है गोपाल भार्गव करेंगे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जो है तमाम अपना मार्गदर्शन इसमें देंगे और किस तरीके से जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जा सकता है, किस तरीके से जनता के बीच उसकी बेहतरी का संदेश जो है बीजेपी के विधायक कर सकते हैं, सदन में उसकी आवाज उठा सकते हैं, इन सब तमाम मुद्दों पर रणनीति तैयार की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। विधानसभा की सत्र आज के लिए, कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के शुरुआत होने से पहले इसको स्थगित कर दिया गया। दरअसल दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा सत्र कल तक के लिए स्थगित किया गया है। हालांकि जैसे परंपरा रही है हर बार की तरह इस बार भी परंपरा को निभाते हुए दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद कल तक के लिए विधानसभा सत्र स्थगित कर दिया गया।